हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज मैं आपके सामने इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, ये मेला प्रगति मैदान दिल्ली में लगा हुआ है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़े लार्ज स्केल में ये ट्रेड फेयर लगता है, जो कि हर साल लगता है, बट पिछले साल कोरोना के कारण ये मेला नहीं लग पाया था। सो फ्रेंड, आज इस मेले को देखिए, इसमें अलग अलग तरह के स्टेट्स आती हैं। देखिए फ्रेंड, ये मेला कितने लार्ज स्केल पे लगा है। देखिए फ्रेंड, इसमें अलग अलग तरह के स्टॉल लगे हुए हैं। ये सारा का सारा जूट का स्टॉल है, जिसमें जूट बैग्स हैं, और इस लेन में सारे के सारे जूट बैग के डिफरेंट टाइप के शूज़, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स वगैरह का स्टॉल लगा हुआ है। देन ये फ्रेंड देखिए, ये है टर्की इंटरनेशनल मार्केट। टर्की ये कंट्री है ना, ये उसकी तरफ से यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है। देखिए यहाँ पर कितने तरह तरह के, कितने कलरफुल लैंप्स हैं, जो बहुत ही सुंदर हैं। देखिए फ्रेंड्स, हर साइज का, छोटे से लेकर बड़े तक, वॉल हैंगिंग, वॉल डेकोरेटेड प्लेट्स। बाकी देखिए फ्रेंड्स, अलग अलग तरह के स्टॉल। ये देखिए कितनी तरह के की रिंग्स, की चेन। ये बेडशीट का स्टॉल। जब तक चलाना है आप। ये देखिए सर फ्रेंड, बांग्लादेश का। ये फ्रेंड, अलग अलग तरह की जैकेट, अलग अलग तरह के कुर्ते, यानी हर तरह की चीज़ जो वो हर जगह मार्केट में नहीं मिलती है, यहाँ पर हर देश, हर स्टेट, इंडिया में जितनी स्टेट है मोस्टली हर स्टेट का सामान इस ट्रेड फेयर में आता है। आप यहाँ का कुछ भी ले सकते हैं, देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे हर देश की कल्चर के बारे में बताया जाता है, हर स्टेट की कल्चर के बारे में बताया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, कितने कलरफुल चीज़ें हैं, कितने कलरफुल कपड़े हैं, डिफरेंट टाइप की साड़ीज़, प्योर सिल्क साड़ीज़। देखिए फ्रेंड, ये सब चीज़ें हैंडमेड है, सब चीज़ों को हाथों से बनाया गया है। फ्रेंड्स, अब आपको लेकर जाती हूँ मैं डिफरेंट स्टेट्स के अलग अलग पेवेलियन हॉल में, कि जहाँ पर अलग अलग स्टेट्स का लगा हुआ है। पहली स्टेट है ये असम। ये असम स्टेट्स का है, ये सारा हैंडीक्राफ्ट है। ये माँ कामाख्या के टेम्पल की तस्वीर। यहाँ पर देखिए पोर्ट्रेट किया हुआ है हैंडक्राफ्ट की, वहाँ पर किस तरीके से चीज़ें बनाई जाती हैं, किन चीज़ों से चीज़ें बनती हैं। यहाँ पर टोकरी, वुडन, ये सब ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं कि वहाँ पर क्या मटेरियल यूज होता है, कैसे ये चीज़ें बनती हैं। ये देखिए फ्रेंड, कितनी सुंदर सुंदर बास्केट्स हैं, कितने सुंदर सुंदर देखिए वुडन की वाटर बॉटल्स, बास्केट्स, ये सारा आसाम का ओरिजिनल हैंडीक्राफ्ट है, हर चीज़ हाथ की बनाई हुई है। ये वहाँ के काले चावल का स्टॉल। और फ्रेंड ये इन्होंने दिखाया है लाइव कि सिल्क कैसे बनाया जाता है और रेशम का कीड़ा कैसे पैदा होता है, उसकी क्या स्टेजेस होती हैं, सब का सब लाइव दिखाया है। यानी डेमोस्ट्रेट किया हुआ है इन्होंने लाइव, साइकिल में बनाया हुआ है, पूरा साइकिल दिखाया हुआ। स्टेज वन कौन सा हो रहा है, कीड़ा होगा इसमें लाइव है, अगर इसमें लाइव है सिल्क वाम। अच्छा मलबरी, अच्छा मुगा, मुगा सिल्क वाम, मुगा सिल्क वाम। ये मुगा का प्लांट है, मुगा का प्लांट है, सॉम प्लांट करते हैं। ये क्या है, इसको ऐसा मत कीजिए, अभी मल्टी में है। और वो मल्टी में इसे पता नहीं पड़ा है ना, अभी मल्टी में प्योर सिल्क बनाने की मशीन का मिनिएचर है। और फ्रेंड्स अब नेक्स्ट स्टॉल है उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का भी बहुत बड़ा स्टॉल लगा था, बट मैं आपको बताऊं मैं सहारनपुर से हूं, तो मैंने स्पेशली सहारनपुर को कवर किया कि सहारनपुर में क्या मेन चीज़ है और किस चीज़ के लिए स्टॉल लगाया गया है यहाँ पर। फ्रेंड्स सहारनपुर का जो लकड़ी का सामान है, वुडन क्राफ्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पर सहारनपुर की वुडन की चीज़ें जो आप ऑनलाइन परचेज करते हो, यहाँ पर हर चीज़ आपको मिलती है। देखिए फ्रेंड कितना सुंदर, कितना सुंदर स्टॉल्स हैं फ्रेंड। ये प्योर वुडन का सामान है जो कि हाथ से बनाया गया और स्पेशली सहारनपुर से सारा सामान आया है। बाकी तो और सब चीज़ों का भी सारे सामान थे, अलग अलग स्टेट सहारनपुर, अलग अलग शहर हैं, जैसे ये संभल का हड्डियों का सामान बनता है, हड्डियों से सामान बनता है। अब नेक्स्ट स्टॉल है बिहार, हम समृद्ध बिहार, सशक्त बिहार। फ्रेंड्स इसमें मधुबन पेंटिंग सबसे फेमस है। अब ये तो देखिए फ्रेंड मधुबन पेंटिंग में राष्ट्रपति ने इनको पद्म विभूषण दिया था, अभी पद्मश्री दुलारी देवी इनको अभी मिला था 15 दिन पहले। देखिए वो स्पेशल लाइव उन्होंने अपना यहाँ पर दिखाया और यहाँ पर आए। अगर आपको इनको मिलना है तो आप जरूर आए ट्रेड फेयर में। बाकी वहाँ पे हैंडलूम का काम, ये मधुबन पेंटिंग बिहार की सबसे फेमस पेंटिंग है। यहाँ पर मधुबन पेंटिंग की साड़ीज वगैरह हर चीज़ फैब्रिक में इतनी प्यारी पेंटिंग्स थी कि आप देखकर हैरान हो जाते हैं। फ्रेंड्स मैं तो आपको बोलती हूँ कि अगर टाइम मिले तो एक बार ट्रेड फेयर जरूर आएँ। यहाँ पर आपको इंडिया की हर स्टेट और इंटरनेशनल के कई कंट्रीज़ का आपको यहाँ पर लाइव सब कुछ मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स कितने सुंदर हैं ये हैंडलूम। एक बार आपको फ्रेंड्स ज़रूर आना चाहिए ट्रेड फेयर में। आई होप फ्रेंड्स आपको ये ट्रेड फेयर का छोटा सा व्यू अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।